फिर दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से और एक न्यू बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग वीडियो पर, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार गैजेट है जो आप लोगों को सभी को पसंद आएगा। बेसिकली जो चीज़ है मैंने नहीं खरीदा, मेरा अंकल ने खरीदा। बेसिकली मेरे को बहुत पसंद है भाई इसका साउंड क्वालिटी से सब कुछ। एक बेसिकली होम थिएटर है, इसको आप अपना होम पर सेटिंग्स कर सकते हैं टीवी के साथ या कोई भी पर्सनल काम पर ले सकते। तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं तो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से वीडियो शुरू किया जाए ज़्यादा बातें ना करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉन्स्टर, क्या बताओ, मॉन्स्टर होम थिएटर। इसका वेट टोटल कितना है, 6 kg का है, मतलब बहुत ज़्यादा, आप बता सकते हैं यार बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लॉस ना करके जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं। अगर बॉक्स का फ्रंट साइड में देखें तो आपको ये वाला स्पीकर, मतलब होम थिएटर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देख सकते हैं एक लाइट दिया हुआ है सामने जो बिल्कुल बहुत कूल लगता है देखने। तो फिलहाल अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ, तो यहाँ पर सील ब्रेक किया हुआ है क्योंकि अंकल ने इसे दुकान से खरीदा है, इसलिए इसका सील ब्रेक है ऑलरेडी। अगर आप इसे ऑनलाइन से खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, पर जाकर आप खरीद सकते। बेसिकली मतलब जैसा पैकिंग था मैंने वैसे ही पैकिंग कर दिया, क्योंकि दुकान से ख़रीदने के बाद आपको एक बार चलाकर टेस्ट करके दिया जाता है, इसलिए दुकान से ऐसा आया। तो अगर बॉक्स को ओपन करें तो क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। एक केबल देखने को मिलेगा जिससे आप लोग मतलब अपना इसी को चाहे तो किसी सेट टॉप बॉक्स से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते। और भी बहुत सारा पोर्ट वगैरह एक करके मैं सबको दिखाने वाला हूँ। एक रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है आप लोगों को, से भी साइड पे रखते हैं, और साथ साथ ऐसा एक पोर्ट दिया जाता है जिससे मतलब इससे आप लोग पीसी पर या आप चाहे तो अपना स्मार्टफोन को इससे इस्तेमाल कर सकते। और कुछ यूज़र गाइड्स दिया गए, यूज़र गाइड्स अगर चाहे तो आप इसे पढ़ सकते क्योंकि आपका काम पड़ेगा। और वारंटी कार्ड भी दिया गया है साथ साथ, तो इसको चलिए साइड में रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ है बहुत ही अमेजिंग है, देख सकते हैं दो मतलब बॉक्स दिए गए, बेसिकली स्पीकर जिससे आप लोग जस्ट अपना टीवी के साइड पर अटैच करके गाना वगैरह सुन सकते। तो मेरा बॉक्स आप लोग देख सकते, और साथ साथ इसका दो स्टैंड भी दिया गया, ये रहा स्टैंड। इसका एक ख़ास बात भी है, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ लास्ट में जाकर। इससे आप ऐसे करके बॉक्स को खड़ा कर सकते, बहुत ही अच्छा। चलो ये रहा, तो दोनों स्पीकर को हम पहले साइड पे रखते हैं, उसके बाद अंदर और क्या क्या चीज़ें सब कुछ देखते हैं, उसके बाद इसको सेट करेंगे, इसका साउंड क्वालिटी भी देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद बॉक्स के अंदर जो असली चीज़ आता है वो है इसका मतलब सब ऑफर, जो मेन चीज़ है, इसके बिना तो हम थिएटर होम थिएटर नहीं है यार। बहुत वेट है इसका, यस मॉन्स्टर होम थिएटर, मजा आएगा बहुत, यस। तो भाई आप लोग देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा बड़ा है इसका साइज, और साथ साथ इसको मतलब देखने में बहुत कूल लग रहा है सामने से भी। पीछे आपको एक ऑन ऑफ का स्विच भी मिलता है, साथ साथ एक बेस को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैवल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए स्विच भी मिलता है, साथ साथ आपको ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट का जैक भी मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको रेडियो सिस्टम भी मिलने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं FM वगैरह, बहुत लोग FM वगैरह सुनना बंद कर दे लेकिन मेरे को आज भी FM बहुत अच्छा लगता है, संडे सस्पेंस। जो बेसिकली बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा, जो बेसिकली बहुत अच्छा बात है। हाँ, उसके साथ साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, कलर चेंज भी आप कर सकते हैं, इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पर 5 inch का एक सब ऑफर दिया हुआ है जो 70 watt पर चलता है, और मेरे को इसका मतलब साउंड क्वालिटी भी बहुत पसंद आया।
इसका हम टेस्ट भी करेंगे, इसका साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाएंगे, मतलब कैसा सब ऊपर की बीट है। अगर इसी स्पीकर को आप लोग और भी ज़्यादा अच्छी से सुनना चाहते हैं, इसका साउंड को, ईयरफोन या हेडफोन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप, अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो जल्दी से इसे पहन लीजिए, उसके बाद इसका साउंड टेस्ट करते। तो ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, लेकिन और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, उसको तो साइड में रखते हैं। जो स्पीकर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्लेट है, इस प्लेट के साथ आप अटैच करके इसको स्टैंड की तरह खड़ा करके टीवी के साइड पे रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो इसे दोनों को एक साथ करके एक सब ऑफर बार बना सकते हैं, जो है देख सकते हैं यहाँ पर, दोनों में अटैच करके अगर बार हो गया, जो बेसिकली साउंड बार होता है, उसका साउंड बार हो जाएगा, देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मेरा ब्लूटूथ से, उसके बाद उसका साउंड क्वालिटी सुनेंगे। और मैंने तो बताया कि बेटर साउंड के लिए आप लोग ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने सेटिंग्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं कि जैसा सेटिंग्स बेसिकली होम थिएटर या टीवी पर दिखाई जाता है, मतलब टीवी के साइड पे दोनों बॉक्स, ऐसे मैंने इसको सेटिंग्स किया। अब मैं इसे ऑन करने वाला हूँ। ऑन करने से पहले आपको और दो तीन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि सामने वाला जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड पे लाइटिंग होने वाला है, और ये वाला बटन पावर बटन है, इससे आप प्लेबैक वगैरह कर सकते हैं। इसे ब्लूटूथ वगैरह डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर दिया गया, साथ साथ रिवर्स या पीवीएस जो बटन वगैरह है, स्कैन वगैरह, यहाँ पर सब कुछ ऑफिशियली बटन पर दिया गया। और इसका साइड में आपको यूएसबी का पोर्ट दिखने को मिला, जिससे आप पेन ड्राइव या चाहे तो कार्ड्रीडर कुछ भी से आप कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। साथ साथ इसका ऊपर कुछ शॉर्टकट में इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया गया। तो चलिए अब मैं इसे ऑन करती हूँ। ऑन इसे अब मैं कर दिया, तो इसको मैं पावर ऑन कर दूँ। हाँ, मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते ब्लूटूथ से ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया मेरा, क्योंकि मैंने प्रीवियस इसका ब्लूटूथ सेटअप करके रखा था, इसलिए ब्लूटूथ से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गाना चलाएंगे, उसके पहले इसका एक मोड देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कलर वगैरह, तो इसी रिमोट पर कलर वगैरह का स्विच वगैरह, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कलर चेंज करूँ, तो आप मतलब यहाँ पर लाइट पर क्लिक करूँ तो बहुत सारा कलर, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद स्काई ब्लू, मतलब बहुत सारा मल्टी कलर फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। और ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है कलर का, सबसे बेस्ट मल्टी कलर होता है इसे। तो चलिए जल्दी से गाना को स्टार्ट किया जाए और देखते इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ, ओके, साउंड क्वालिटी लो करके NCS एक म्यूज़िक ऑन करता हूँ। तो इसका मैं फुल साउंड करने वाला हूँ। यहाँ पर साउंड अप डाउन का भी बटन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 30 लेवल तक आप इसको साउंड को ले सकते हैं। बेसिकली बहुत अच्छा है, सब ऑफर भी आप लोगों को दिखाएं कि बिट देने पर सब ऑफर कैसा परफॉर्मेंस करता है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ीरो से। यहाँ पर मैं अपना स्मार्टफोन का साउंड फुल कर दिया, उसके बाद इसको ऑन कर दिया। चलिए शुरू कर दिया मैंने गाना को। बहुत मज़ा आ रहा है, इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब क्या बताऊँ। आप अगर हेडफोन या ईयरफोन अपने इस्तेमाल नहीं किया तो जल्दी से हेडफोन या ईयरफोन आप लोग इस्तेमाल कर दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसका एक वीडियो तो शूट करना ज़रूर पड़ता है यार। तो देखा आपने इसका साउंड क्वालिटी, साथ साथ आप मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका
ऑफर की बेस्ट जब दिया जाता है तब सब ऑफर कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो अब हम देखेंगे इसका बीट। दोस्तों ये था टोटल आज का फुल एफ एंड डी का T200X होम थिएटर का वीडियो, जो बिल्कुल बहुत ही एक औसम वीडियो है। अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से बहुत भाई मोटिवेट मिलता है। कमेंट सेक्शन पे कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर सकते हैं। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने सारे दोस्त ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बहुत सारा एक्साइटिंग वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।